गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल डीके के पर। और आज हम बात करेंगे स्पैमिंग के, यूट्यूब पर स्पैमिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले आप चलिए अपने यूट्यूब स्टूडियो में। मेरा एक्चुअली यूट्यूब स्टूडियो किया हुआ है, तो मैं वापस अपने चैनल पे जाता हूँ। चैनल के बाद में आपको चलना है यूट्यूब स्टूडियो में। अगर आप डेस्कटॉप पे हो, अगर आप गूगल क्रोम मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइड कर लो उसको। देन आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और शेयर कीजिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा मिले और वो भी ये गलतियां ना करें, अगर कोई कर रहा है तो ऐसी गलती। तो गाइज हम चलते हैं आगे वीडियो में। यस स्लो हो गया नेट, खुल जा भाई। अभी आपको यहाँ देखिए, अगर आप डेस्कटॉप पे हो या मोबाइल में हो, पीसी पे हो या मोबाइल में हो, तो आपको यहाँ आ जाना है सेटिंग में। नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ सेटिंग, ये वाली जहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा है। सेटिंग में आने के बाद में देखिए, आपको यहाँ जनरल दिखेगा, उसके बाद चैनल दिखेगा, अपलोड डिफॉल्ट्स दिखेगा, परमिशंस दिखेंगी और कम्युनिटी। यहाँ ओपन कर लेना हम लोग को, और ये चीज़ें आती है देखिए, ऑटोमेटेड फिल्टर जो है ये आपको YouTube खुद फिल्टर करके देगा। अगर आपने मीडिएटर में किसी का नाम डाल दिया तो वो आपके मैसेजेस को होल्ड कर सकता है, मतलब उनको यूज कर सकता है कि किसको मैसेज करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ऐसा मीडिएटर का बीच ये मतलब होता है। और उस यूज़र का नाम आपको यहाँ डालना है, जिसको भी आप अप्रूव कर रहे हो। यहाँ पे किसी का यूज़र नेम और किसी भी यूज़र को, अगर किसी भी चैनल को आपको हाइड करना है तो उसका चैनल यहाँ उठा के डाल दीजिए, उसका चैनल ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अगर आपको कुछ वर्ड्स को ब्लॉक करना है तो आप यहाँ लिख सकते हो इसमें, ये देखिए ब्लॉक वर्ड्स, तो मैंने 2-3 वर्ड्स डाल के रखे हैं। अगर आप किसी भी URL हैशटैग या कोई भी ऐसी कोई चीज़ डाले आपके चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में, तो उसको ब्लॉक कर देगा यूट्यूब ऑटोमेटिकली, वो आने नहीं देगा आप तक, ताकि आपका चैनल सेफ रहे और अगले का भी सेफ ही रहेगा। अगर वो आपको करेगा तो आप दोनों के चैनल मुश्किल में आ जाते हैं। YouTube इस चीज़ को वॉच करता है कि कौन स्पैमिंग कर रहा है। अगर कोई आपको सब टू सब लिख के भेज रहा है तो वो स्पैम में चला जाता है मैसेज डायरेक्टली, और वहाँ से आपके चैनल को खतरा शुरू हो जाता है। अगर आप उस चीज़ को केयर नहीं करेंगे तो वो खतरा आप पे मंडराता रहेगा जब तक आपका चैनल चलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि YouTube आपका चैनल को कर देगा डिसमिस। तो ये कैसे पता चलता है, ये होती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। यहाँ पे आप अलाउ ऑल कमेंट्स अगर ऐसा कर दिए तो क्लास आपके चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो गाइस इस पे हम वापस आएंगे एक बार, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ मिलती है। ये देखिए डैशबोर्ड, वीडियो मैनेजर जो है नीचे, प्लेलिस्ट है, एनालिस्टिक और कमेंट्स। ये कमेंट्स में चलते हैं हम लोग। कमेंट्स में मिलता है आपको वो वाली चीज़ें, ये देखिए ये जो पब्लिश्ड है, टोटल पब्लिश्ड है ये सबको, जितने भी मैसेज आए हैं। अगर आपके क्लियर मैसेज हैं, अच्छे मैसेज हैं, तो डायरेक्ट यहाँ आएंगे पब्लिश्ड में। अगर किसी ने आपको गाली लिख दी या कुछ भी गंदा वंदा लिख दिया या हैशटैग डाल दिया कुछ भी, तो वो आ जाएगा इसमें। URL जो भी है वो इसमें आ जाएंगे, और यहाँ से आप उनको चूज कर सकते हो हेल्प फॉर रिव्यू, मतलब ये आपके देखने के लिए। अगर आपको अच्छे लगे तो आप उनको अपलोड करके पब्लिश्ड में डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप डिलीट कर सकते हो। और कुछ जो मैसेजेस हैं जो YouTube अप्रूव नहीं करता है उसको लाइकली स्पैम में कर देगा, तो आपको डायरेक्ट डिलीट ही करना, उनको देख के पब्लिश नहीं करवाना है, क्योंकि मैसेजेस कल को आपके लिए फिर भारी होंगे तो सही बात नहीं है। तो ये तीनों जगह हैं, अभी मेरे यहाँ कुछ भी मैसेज नहीं है, मैंने डिलीट करके रखे हैं ऑलरेडी। ये पब्लिश्ड में खाली एक इधर जो मैसेजेस हैं वो है, बाकी कुछ भी नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर करके रखा है अपना। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है आपको पता है, इससे फ़र्क आपके चैनल पे यही पड़ेगा कि जब भी आपका चैनल रिव्यू के लिए जाएगा तो सबसे पहले वो यही चीज़ देखेंगे।
अगर लाइकली स्पेम में कुछ मैसेजेस होंगे तो आपका चैनल रिव्यू में अटक जाएगा, उसके आगे जाएगा ही नहीं। हो सकता है कि वहीं से आपको नॉट अप्रूव्ड भी करके रिटर्न कर दे कि नहीं आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, स्पेशली ध्यान रखिए कि आगे आने वाले फ्यूचर को अभी से सुधार के चलोगे तो सही रहेगा। जो भी ऐसे कोई मैसेजेस होते हैं तो उनको डिलीट कर सकते हैं आप, कर सकते हैं क्या, मैं तो बोलूँगा आपको कि डिलीट ही कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो गाइज ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसी से रिलेटेड मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा आगे, तो कमेंट्स करके बताइए आपको कि ये जानकारी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।